भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान, मेरा वोट मेरी ताकत। नमस्कार, मैं नाजिमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री चौधरी किरण पाल सिंह का किया जोरदार स्वागत। बीते कुछ दिनों पहले बीजेपी छोड़कर रालौद का दामन थामा था। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी की अध्यक्षता में ली थी शपथ लेकर रालौद में हुए थे शामिल। रालौद के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। पूर्व मंत्री चौधरी किरण पाल सिंह ने बताया, पार्टी के चुनावों को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों के मुद्दों को लेकर कहा, चुनावों की वजह से किसानों के बिल वापस लिए हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस सरकार में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, सभी चीजों का निजीकरण कर दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा, इस बार किसानों और जनता का समर्थन गठबंधन को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी पर। सर, आपने बीजेपी को छोड़कर बीजेपी छोड़ी 21 तारीख को लोकदल ज्वाइन किया जी, और आज पार्टी ऑफिस में पार्टी का संगठन जिले का माननीय अध्यक्ष जी अरुण जी अपने साथियों के साथ मेरा स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे, और पार्टी की आगामी रणनीति और चुनाव में जाने के लिए क्या क्या हमको करना है उस पर आज डिस्कशन होना, आज विचार विमर्श होना। किसानों के मुद्दों पर क्या बोलेंगे? किसानों के मुद्दे पर जितना अत्याचार किसानों के साथ हुआ है, शायद पूरे दुनिया में किसी देश के किसानों के साथ नहीं हुआ होगा। और इतना लंबा आंदोलन जो चला है वो 368 दिन का, वो किसी भी मुल्क में किसानों का या किसी भी वर्ग का इतना लंबा आंदोलन नहीं चला होगा। ये सरकार चुनाव के भय के कारण किसानों से डर गई है। यदि चुनाव ना होते तो शायद अब भी ये किसानों के साथ वैसा ही बर्ताव करती, अब भी उनकी मांगों को नहीं मानते। क्या लगता है, मांग पूरी नहीं मानी गई है? सिर्फ तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं, MSP का भी एजेंडा अटका हुआ है, वो भी किसानों की मांग है, सरकार को माननी पड़ेगी, आखिर में सरकार को झुकना पड़ेगा। मंत्री, किसानों का समर्थन मिलेगा आगामी चुनावों में सरकार को? किसानों का समर्थन ही नहीं मिलेगा, अपार समर्थन मिलेगा। जनता त्रस्त है, आम जनता भी त्रस्त है, महंगाई की मार है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और बेरोजगारी चरम पर है, गरीब लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है, किसान बेहाल है ही है, अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, सरकारी उपक्रमों को बेच बेच कर सरकार पैसा इकट्ठा कर रही है। जो समाजवादी ढांचा हमारे देश का था, उस ढांचे को इस सरकार ने तोड़ दिया है। सभी चीज़ें बिक रही हैं, चाहे सी पोर्ट हो, चाहे एरोड्रम हो, चाहे पेट्रोलियम खना खान हो, कुछ भी हो, रेल हो, जो भी चीज़ें सबको बेच रही है, इवन बैंकों को भी बेच रही है। 26% अपना हिस्सा रखेगी बैंकों में सरकार, और 74% हिस्सा बेच रही है, चार बैंकों में हड़ताल भी चल रही है। तो सभी वर्ग त्रस्त हैं, यही नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग नाराज हैं, पूरे प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, और जनता ने तय कर लिया है कि गठबंधन को ही सत्ता में लाना है, जो हमारे भलाई के लिए गठबंधन कार्य करेगा। राष्ट्रीय लोकदल के मुख्य कार्यालय जनपद बुलंदशहर पर हमारे पूर्व मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री प्रोफेसर किरण पाल सिंह जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के समक्ष राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की और वो अपने घर में वापस हुए। सम्मानित हमारे मंत्री जी आज जनपद कार्यालय राष्ट्रीय लोकदल के पर उनका हम सभी हृदय की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो राष्ट्रीय लोकदल में अपने साथियों सहित शामिल हुए।